सीधे पटना साहिब लिए चलते हैं। सौरभ कुमार हमारे साथ वहां से मौजूद हैं। बड़ी दिलचस्प है सौरभ, यहाँ की लड़ाई उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त है वोटर से बातचीत करने का। जरा हाल दिखाइए और माहौल बताइए, क्या अभी पोलिंग स्टेशन पर चल रहा है? जी बिल्कुल, पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र की लड़ाई काफी रोचक है और आमने सामने की है। एक तरफ अगर कहें तो एनडीए प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं और निश्चित रूप से बीजेपी के दिग्गज नेता माने जाते हैं, और दूसरी तरफ उनके सामने अगर कहें तो इंडिया गठबंधन से अंशुल अभिजीत जो मीरा कुमार के बेटे हैं वो सामने में हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। मैम ये बताइए कि इस बार लोगों के सामने 2024 का लोकसभा चुनाव के बारे में अगर बात करें तो आप लोगों के सामने मुद्दा क्या है? बेरोजगारी, महंगाई, ये दो है। महंगाई ने पूरा बजट जो है घर का वो बिगाड़ रखा है। इलाज इतना महंगा है कि लोग करा नहीं सकते हैं। हम लोग का तो काम है वोट दे देते हैं, सरकार चुन लेते हैं, लेकिन हम लोग का तो परेशानी वैसे का वैसा और बढ़ते चला जा रहा है। लोगों के सामने क्या परेशानी आ रही है? परेशानी बेरोजगारी है, महंगाई है बाबू, दवाई इतना महंगा है, दवाई खाते हैं पूरी न पड़ता है, बेटा को पैसा कम मिलता है, कहाँ से इलाज कराएगा? इस दफे तो वोट दे दिए हैं, अब इलाज न कराएंगे तो दूसरी दफे ऐबो करेंगे कि न आएंगे? इतना महंगाई है, सब चीज़ महंगा, खाना महंगा, दवा महंगा, हर चीज़ मटियो महंगा, मटियो को खरीदे जाइए। देश में एनडीए की सरकार है पिछले 10 सालों से, लोगों के सामने जनता के सामने मुद्दा क्या है? महंगाई और बेरोजगारी और यही, और पढ़ाई बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, एजुकेशन, बस यही है, बेरोजगारी और महंगाई। तो आप देख सकते हैं ये जो मतदान केंद्र है ये आइडियल मतदान केंद्र है, और अब से कुछ ही देर के बाद लालू परिवार पूरा जो है वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। कुछ ही देर के बाद लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव सभी यहाँ पर आएंगे। मीसा भारती जो पाटलिपुत्रा की उम्मीदवार हैं, पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से, सौरभ वो तस्वीरें भी देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा। लगातार आप बने रहिए, तो ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट्स आप तक लगातार मेरे सहयोगी बना रहे हैं। नॉनस्टॉप कवरेज लगातार न्यूज 24 पर जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, 7वें और आखिरी चरण का ये मतदान, 57 सीटें हैं और उसके लिए प्रतिनिधि आपको चुनना है अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। पहले सटीक आंकड़े बताने जा रहे हैं न्यूज 24 टुडे चाणक्य लोकसभा एनालिसिस, आज शाम 4 बजे।